केरल में बाढ़ ने बर्बादी मचा दी है। अब मृतकों की संख्या बढ़कर 357 तक पहुंच गई है, जबकि करीब 7 लाख लोग शिविरों में रहने पर मजबूर हैं। हालांकि आज थोड़ी राहत भरी खबर है और रेड अलर्ट हटा दिया गया है। राज्य के 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। ऑरेंज अलर्ट के तहत क्षेत्र के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना रहता है, जबकि येलो अलर्ट में कुछ हिस्से में बारिश का अनुमान होता है। तबाही के बीच केंद्र सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारें तबाही के इस वक्त में केरल की मदद के लिए आगे आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित केरल को तत्काल 500 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने सभी मृतकों के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की सहायता राशि और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए देने की भी घोषणा की।